Hi, I'm Minisa Riaz. Welcome to Glitz Vision USA. तो झलक दिखला जा कि इस वीक की जो एपिसोड रही हैं दोनों में बहुत मुझे जो ये सारे परफॉर्मेंसेस हुए बहुत से ऐसे हुए कि रोहित शेट्टी ने आके मतलब चैलेंज दिया उन लोगों को प्रॉप्स यूज करने थे उनको खतरों की खिलाड़ी टाइप परफॉर्मेंसेस देनी थी जिसमें निया ने बहुत ज़बरदस्त किया मतलब उस तरह से वो जो हवा में जो बनाया था उन्होंने प्रॉप जो उस पर खड़े होके किस तरह से वो टिप टिप बरसा पे डांस किया उन्होंने बहुत ज़बरदस्त डांस किया था और वो कोई आसान काम नहीं है लेकिन उन्होंने बहुत कंट्रोल के साथ सारे अपने जो है ना मूव्स करे हैं तो बहुत ही खूबसूरत था बहुत ही वो गाने की एक बात ही अलग है वो किसी तरह से भी करें उसकी एक अपनी बात ही अलग है टिप टिप बरसा की तो बहुत उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। रुबीना के लिए बोलना चाहूँगी कि रुबीना ने जिस तरह से वो ब्लाइंड फोल्ड उनको बांध के करना था और वो गिर गया उसके बाद भी वो जो है अपनी आंखें नहीं खोली उन्होंने और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की जहाँ उन्हें आँख खोलनी थी उसी जगह पे आके उन्होंने आँख खोली और उसके बगैर वो परफॉर्मेंस करना बहुत मुश्किल होता है तो वो काफ़ी प्रैक्टिस होगी लेकिन जो ब्लाइंड फोल्ड खुलने के बाद उस चीज़ को उसी तरह कंटिन्यू करना ये बहुत ही प्रोफेशनल हो कोई वही कर सकता है और बहुत जबरदस्त उनका मतलब परफॉर्मेंस रहा और स्पेशली ये जो चीज थी ना ये जो उन्होंने आंखें ना खोली और उस चीज को आगे जिस तरह से कंटिन्यू किया वो चीज ने और उनके मार्क्स बढ़ा दिए वो चीज ने और उस एक्ट को जो है ना और बढ़ा दिया तो इस तरह से मतलब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। मुझे नीति की किस कदर खूबसूरत परफॉर्मेंस थी नीति टेलर की जिस तरह से वो शर्माना वो जिस तरह से पूरा एक्ट करना वो छतरी को छोड़ना ही नहीं है कहीं भी ड्रॉप नहीं हुआ है कहीं भी वो लेके तो बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस थी और बड़ी अच्छी बात मुझे नीति की लगी जिस तरह से उन्होंने बोला कि हम यहाँ खड़े होते हैं हम बोलते नहीं हैं हमें भी ब्रूज हैं हमें भी चोटें हैं लेकिन हम कभी आके नहीं बोलते तो ये बात सही है कि जब से नीति मतलब ये शो शुरू हुआ है ये झलक दिखला जा कभी भी कोई सिंपथी कार्ड कोई इमोशनल वो करके उन्होंने कभी बात नहीं की है और जिस तरह से आज उन्होंने बोला तो सभी हंसे कि देखो किस तरह इशारा क्योंकि लोग अपने इमोशन अब हर एक पर्सन है उसका अपना अपना तरीका है अपनी अपनी जिंदगी है नीति के पास दोनों पेरेंट्स हैं जिंदगी है नीति की उसको उतनी शायद तकलीफ नहीं दूसरे को ज़्यादा तकलीफ है चाहे निया हो चाहे शिल्पा हो किस तरह से वो शिल्पा के ब्रदर का आना वहाँ पे वो सारा कुछ उस तरह यूज़ करना उधर प्लेटफॉर्म पे आके अपने फैमिली मैटर मुझे थोड़ा सही नहीं लगता है लेकिन अगर उनकी फैमिली उनके साथ गलत करी है तो गलत ही है लेकिन वो भी जानती हैं कि अभी ये प्लेटफॉर्म यूज़ करके अभी ये आ रहे हैं कल को पीछे कुछ और बोले तो फैमिलीज़ को वैसे भी सपोर्ट करना चाहिए और बहुत ऐसे टॉन्ट और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए अपनों को दुख नहीं देना चाहिए तो वो था मगर शिल्पा को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने मूव्स वगैरह अपने अगर वो डांस करने आए तो उन्हें प्रॉपर अपने आप को डांस में इन्वॉल्व करना होगा तो वो जो था कि वो उनके यहाँ एक्सप्रेशन एवरीथिंग बहुत बढ़िया बहुत खूबसूरत होते हैं शी इज़ सो ब्यूटीफुल लेकिन जहाँ परफॉर्मेंस की बात आती है वो वहाँ लैक करती हैं और ये उनकी परफॉर्मेंस में मतलब हमें दिखा। पारस ने बहुत अच्छा किया उसने पूरी तरीके से जिस तरह से ऋतिक का कोई मिल गया का जो डांस था जो सीक्वेंस था उसको जिस तरह से पूरा से किया बहुत अच्छे से किया तो उनका अच्छा लगा। अमृता ओ क्या ज़बरदस्त और वो जो उनके साथ आए थे वो डांसर वो बहुत बहुत खूबसूरत डांसर हैं और बहुत ज़बरदस्त वो पूरा एक्ट था। फिर माधुरी का जाना बिल्कुल सही बोला करण जौहर ने कि माधुरी तो लेजेंड है माधुरी जो है डांस की मतलब जो डांस की अगर बात है ना तो माधुरी दीक्षित का कोई उनके जैसा नहीं है इस कदर खूबसूरत वो डांसर हैं वो एक्सप्रेशन के साथ वो सब चीज़ों के साथ वो करना बहुत खूबसूरती से वो करती हैं और वो उनके आगे चाहे कितनों ने कितनी ही खूबसूरत परफॉर्मेंस दी हो पर माधुरी की बात किसी में नहीं आती है तो वो चीज़ उन्होंने बिल्कुल सही बोली और वो अमृता की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। कश्मीर की वो जिस तरह से वो पूरे प्रॉप को यूज़ करके उन्होंने डांस किया वो और उनको मिला भी वो गोल्डन सीट तो भाई गोल्डन सीट क्या अभी ये कश्मीर को हर बार मिलेगी क्या दूसरे लोगों को भी मिलना चाहिए था। रुबीना की जिस तरह की परफॉर्मेंस थी वैसे उनको मिलनी चाहिए थी पर वो शायद उस टाइम पे थी नहीं और इसलिए नहीं मिला उन्हें वो मतलब मुझे लगता है कि अगर
मार्क्स की उस पे देखा जाए, जो भी उन लोगों को मिले हैं उस बेस पे देखा जाए, उस वो ब्लाइंड फोल्ड के इस तरह गिर जाने पे भी कंटिन्यू करने पे, तो मुझे लगता है वो रूबीना डिजर्व करती थी। बट ठीक है, कश्मीर को मिला, उससे पहले भी कश्मीर को ही मिला था तो उनको मिला। ये छोटी गुंजन और ये तेजस, तो वो तो बहुत ज़बरदस्त डांसर्स हैं और किस खूबसूरती से उन्होंने अपना पूरा वो एक्ट किया, बहुत ज़बरदस्त। तो उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। परफॉर्मेंसेस देखी जाएँ तो सबने अपने अपने तौर अच्छी करी। कोई कोई जो है ना वो अपने इमोशनल उससे या अपने इंटरटेनमेंट की बेस पे जो है ना टिका हुआ है, अदरवाइज देखा जाए अगर डांस की बेस पे तो जो मेहनत जैसे निया कर रही हैं, नीति कर रही हैं, रूबीना कर रही हैं, कश्मीर और अमृता हैं और ये बच्चे हैं, फिर इसके अब पारस और धीरज तो बेचारे बाहर ही निकल गए हैं। तो मतलब इस तरह से मुझे सही लगा कि जिस तरह से सबको मार्क्स भी दिए, मुझे कहीं कहीं लगा कह रहे ये 9 क्यों दिए, जब इतनी तारीफ कर रहे हो, इतना वो कर रहे हो तो 10-10 ही देने थे। लेकिन वो समझते हैं कि अगर हम इन्हें ज़्यादा दे दें तो शायद ये ठंडे पड़ जाएं, तो शायद इस वजह से वो लोग एक एक पॉइंट रोक लेते हैं या क्या है। लेकिन बहुत खूबसूरत, मुझे तो नीति की बहुत अच्छी लगी, जैसे मैंने बोला मुझे निया की अच्छी लगी, रूबीना का अच्छा लगा और पारस की भी अपनी जगह बहुत अच्छी लगी। ये मेरा रिव्यू है, ये मेरे व्यूज़ हैं इस वीक की जो ये परफॉर्मेंसेस हैं और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अब आप कितना उससे देखते हैं, आप अपने आर्टिस्ट जो आपके फेवरेट्स हैं, आपको कहीं लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है या आपको लगता है कि सही मार्क्स नहीं दिए गए हैं या कहीं आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा स्क्रिप्टेड है, तो आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन मुझे इवन अगर कहीं स्क्रिप्टेड भी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे परफॉर्मेंसेस देखने में बड़ा मज़ा आता है, डांस और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे कहीं नहीं लगा कि किसी के साथ गलत किया जा रहा है। वो तो आगे जाके पता चलेगा, अभी तक तो सब ज़बरदस्त कर रहे हैं। हाँ, पिछले हफ्ते मुझे अली असगर के लिए बुरा ज़रूर लगा था, लेकिन इस वीक तो एलिमिनेशन हुआ ही नहीं क्योंकि धीरज बाहर निकल गए। तो ये झलक दिखला जा का इस वीक का मेरे व्यूज़ हैं। और अगर आपको डांस शोज पसंद हैं तो प्लीज़ देखते रहें झलक दिखला जा ऑन कलर्स टीवी एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन यूएसए फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड क्लिक द बेल आइकन। बाय बाय। Hi, I am Nia Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.